आईएसआईएस के निशाने पर थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश। पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की हत्या की आईएसआईएस की साजिश, इराकी शिहाब ने की थी बुश के घर पर रेकी। अमेरिका के ओहियो में रहने वाले एक इराकी नागरिक को पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम शिहाब अहमद बताया जाता है। शिहाब पर विदेशियों की तस्करी के साथ एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी को हत्या की कोशिश करने के लिए उकसाने का भी आरोप है। बताया जाता है कि शिहाब ने साजिश के तहत चार इराकियों के अपहरण करने की योजना बनाई थी। दलास में बुश के आवासीय क्षेत्र की भी इन्होंने रेकी की थी। ये भी पता चलता है कि 23 मार्च को सील किए गए एक आवेदन में कहा गया है कि शिहाब 2020 में अमेरिका आया था। उसके फोन रिकॉर्ड की जांच के लिए वारंट की मांग की गई है। FBI को पिछले साल के अंत में हत्या की साजिश के बारे में पता चला था। हालांकि उस वक्त दस्तावेजों में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला जिससे पता लगे कि पूर्व राष्ट्रपति को कोई खतरा था। अब FBI ने खुलासा किया है कि वे पूर्व राष्ट्रपति बुश की हत्या करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा कि इराकियों को मारने और पूरे इराक को तोड़ने के वो जिम्मेदार थे जिसका वो बदला लेने की फिराक में थे। Stop 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।